जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो, दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल, जो रिलेटेड होगी बालों से, बिकॉज बाल इज द यू कैन से कि ना मेन पार्ट होता है हमारी, जो ब्यूटी का एक मेन पार्ट होता है बाल। अगर हमारे बालों की क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है और थिकनेस अच्छी है, सॉफ्ट शाइनी है और थोड़े से हेवी भी हैं, वॉल्यूम भी है बालों में, तो हमारी लुक बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब लाइक हमारी लुक को और एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है हमारे बालों का जो क्वालिटी है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड आपसे बात करूंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी जो एक मेन प्रॉब्लम है, दैट इज बहुत ज्यादा लोगों के जो बाल होते हैं नीचे के साइड से, स्पेशली नीचे के साइड से दो मुंहे हो जाते हैं, झड़ते बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं जिसे कहते हैं हम, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। जो मैं आपको आज रेमेडी बताऊंगी वो 100% नेचुरल है, बहुत ईजी है, घर पे हो जाती है, 5 से 6 मिनट लगेंगे पूरे प्रोसेस में और आपकी जो बालों की क्वालिटी आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट यूज में ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं बचपन से लाइक मैं यूज कर रही हूँ और अपने दोनों बच्चों के लिए मैं वही यूज करती हूँ। राइट नाउ आप मेरे हेयर्स की क्वालिटी देख सकते हैं, लंबाई मैं बहुत ज्यादा असली नहीं रखती हूँ बिकॉज मैं थोड़ा लुक चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम के बाद कट ले लेती हूँ, तो लेंथ को आप छोड़ के बाकी मेरे बालों की स्ट्रेंथ देखेंगे बहुत अच्छी है। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि एक ऐसी रेमेडी है और बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा होता है जिससे हम इजीली अपने बालों को अच्छा सॉफ्ट स्मूथ सिल्की बना सकते हैं और हम इसको नीचे, स्पेशली नीचे दो मुंह होने से और रफ होने से बचा सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और बेस्ट हेयर ऑयल भी आप एक बार जरूर यूज करके देखिएगा, मेरा पर्सनली बेस्ट है, शायद आपका भी बन जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो, दोस्तों इस मेथड को हम बोलते हैं प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है बालों को धोने से पहले बालों को कंडीशनर करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने बालों को देखिए सुलझा लिया और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक रफ टॉवल, और टॉवल मेरा भागे ना इधर उधर तो मैंने लगा लिया सेंटर में क्लचर। तो अब मैं यहाँ पे लिया है मैंने ये बॉटल स्प्रेयर, इसमें मैंने लिया है हल्का सा गुनगुना पानी, बिकॉज सर्दियाँ हैं इसलिए मैंने ठंडा पानी नहीं लिया। गर्मियों में आप करें तो उसमें ठंडा पानी, मतलब नॉर्मल पानी जो होता है उसका यूज़ करें। तो नीचे से हमें क्या करना है, बालों को लगभग 30 से 40% गीला कर लेना है, सिर्फ नीचे नीचे के बालों को देखिए इस तरह से। तो हमें बालों को गीला करना है, सूखे बालों में हम प्री कंडीशनिंग नहीं करेंगे। देखिए मेरे नीचे से बाल गीले हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल, बिकॉज दिस इज़ माय फेवरेट ऑयल एंड बेस्ट हेयर ऑयल फॉर ऑल। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल लिया अपने फिंगर टिप से और उसको दोनों हाथों में लेके इस तरह से रब करा हल्का सा, और अपने नीचे नीचे के बालों में देखिए, नीचे नीचे के बालों में थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके इस तरह से मैंने लगा लिया। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके अपने पूरे बालों को अच्छे से कवर करूँगी। स्काल्प में नहीं लगाना है, ना ही ऊपर लगाना है, सिर्फ नीचे नीचे के बालों में, जितने बाल हमने नीचे से गीले करे हैं उतने बालों में हमें अच्छे से लगाना है। ये देखिए इस तरह से बाल गीले करने का क्या है, इसमें 30 से 40% हमें पूरे ही गीले करने हैं, बस इतने गीले नहीं करने हैं कि हमारे बालों में से पानी टपके। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे बालों में, अपने नीचे के बालों में अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब इसे मैं 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और फिर मिलती हूँ मैं आपको शैम्पू करने के बाद। सो, दोस्तों मैंने कर लिया है शैम्पू और मैंने अच्छे से अपने बालों को सुखा लिया है। देखिए मेरे बाल एकदम सॉफ्ट, एकदम खिले खिले हो गए, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं प्री कंडीशनिंग। दोस्तों देखा आपने करना कितना ही इजी है, और बेस्ट हेयर ऑयल अकॉर्डिंग टू मी इज मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल होता है बालों के लिए। थोड़ा सा स्टिकी होता है, हल्का सा स्मेल लग सकती है आपको एक दो बार यूज करेंगे, लेकिन आप उसको यूज करेंगे रेगुलर ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। तो स्पेशली मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैंने अपने दोनों बच्चों के सर में बचपन से लेके आज तक, अभी बड़ा वाला बेटा कभी कभी बीच में नारियल का तेल लगा लेता है, वरना
मैंने सरसों का तेल ही लगाया और दोनों बच्चों के बाल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत घने हैं, बिल्कुल भी हल्के नहीं हैं। तो यही थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।